अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछा जाता है, वेरी इजी है, ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारी जगह यहाँ लाइक 10th की NTSC एग्ज़ाम में देखा, इवन UPSC एग्ज़ाम में भी मैंने देखा था। इस 5 मार्क्स को मेन्स में पूछा गया था। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने 4 ऑप्शंस दिया है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस टैन थीटा, सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, साइन थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। बाई कॉन्जुगेट मेथड से हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। कॉन्जुगेटेड मेथड मीन्स यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है, उसको हम नेगेटिव में लिखना चाहिए, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए। अब अगर हम कैंसिल करेंगे तो भी 1 मिल जाएगा हमको। अब नेक्स्ट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओनली। सो हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए है 1, बी है साइन थीटा, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई आइडेंटिटी से, देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा मीन्स सेकेंड थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टैन थीटा। अब चलिए ये फाइनल आंसर हुआ। अब 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। 1 AB नहीं, सेकेंड AB नहीं, फोर्थ AB नहीं, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चंस देखिए, सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल हो जाते हैं कि कहाँ सॉल्व करूँ, कहाँ करूँ, किधर करूँ। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इजी। ऐसे बहुत वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।